myself Sagar. I am currently studying in Kharkiv National Medical University and मैं आपको यहाँ की सिचुएशन बस से बस होती जा रही है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और यहाँ पे अप्लाइंसेस भी सारे ख़त्म हो रहे हैं, सप्लाई सारे ख़त्म हो रही हैं और सिचुएशन बस डे बाई डे होती जा रही है. तो हमारी अपील है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़. सो सर, इट्स आर हम्बल रिक्वेस्ट सर, प्लीज़ हेल्प अस सर, प्लीज़ हेल्प अस, बिकॉज हमारे पास कोई सोर्स नहीं है सर, कोई मतलब हमारे पास ज़रिया नहीं आप तक पहुंचने का. जस्ट एक सोशल मीडिया है जिसके थ्रू हम आपको बता सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पे कितनी ख़राब है. हर दो दो घंटे में सर यहाँ पे शेलिंग हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है और मतलब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है और हमें समझ नहीं आ रहा है एज अ स्टूडेंट्स की मतलब कि हम करें क्या. और 200-300 बच्चे मतलब एक बंकर्स में है, अलग अलग रूम्स में है इस टाइम. और मतलब अभी तो आज दूसरा दिन है, हमारे को पता नहीं है कितने दिन तक ये चीज़ चलेगी और सोर्सेज कब तक मतलब लिमिटेड हैं, कब तक चीज़ें काम करेगी. तो सर, इट्स आर हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ मतलब इस चीज़ को आप हमारे लिए सोचें और कुछ करें सर प्लीज़. सो ये हमारा बंकर है जहाँ पे अलग अलग रूम्स में बच्चे रह रहे हैं इस टाइम पे. Hello, I am Tanya Pandey and I am recently studying in Kharkiv National Medical University. मैं इस टाइम खारकीव में हूँ और हम यहाँ पे अपने हॉस्टल के नीचे वाले बंकर्स में फंसे हुए हैं. यहाँ पे हमारे पास खाने पीने का सामान भी अब ख़त्म हो रहा है. तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमें यहाँ से जल्द निकालें और हमारी